आ रहे हैं हम, लगेज खरीद लिया, आज ही लैंड हो, पैसे मांग रहे हैं। ये देखो स्कैम करते लोगों के साथ, स्कैम लैंड जो मांगोगे, इजी नाइकी हर टाइप का शूज इनके पास होते हैं, लेकिन नकली। ये देखो गोल्ड गोल्ड के स्टोर। अस्सलामुअलैकुम, आज उठ गए हम जल्दी सुबह सुबह, रात तो बहुत थके हुए थे, खाना शाना खाए हम, आते ही फिर सो गए, अभी कर रहे नाश्ते की तैयारी। आज भी बारिश है, आज भी कुत्ते वाली बारिश, कुत्ते वाली बारिश है। उड़ते ही भूखा खाने के लिए तैयार हो गए। देखो रोटियां बन रहे हैं, पराठा तैयार हो गए, अंडे भी तैयार हो रहे हैं, और इधर आलू भाजी द आइकॉनिक रेडी है, अभी रखते हैं गरम गरम हो। तो जल्दी जल्दी नाश्ते करते हैं, फिर नाश्ते करके बाहर निकलते हैं। घूमने तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन घर के बहुत सारे काम है, ग्रोसरी भी है, दूध शुद्ध भी लेना है और भी चीज़ें लेना है, तो सब लेने अभी हम बाहर निकलेंगे, खाना खा लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन मत दबा देना। टिंग टिंग। अभी हम नाश्ता करके तैयार होके निकल गए। नाश्ता अरे मुंह से निकल जाता है कुछ भी। देखो मैंने दिखा बोला था ना, 4 बजे से आज भी दिखा रहा है, बारिश है, खतरनाक बारिश। अभी से तो अभी जिधर जा रहे हैं हम, वो था मेरा पुराना मोहल्ला एरिया, न्यूयॉर्क में आके हम उधर रहे थे 8 साल स्ट्रेट, स्पेनिश एरिया है, जंक्शन बुलवार्ड, और उधर एक डंकिन डोनट्स भी है, आपका भाई कॉफ़ी बेचा है उधर 6 साल ऑलमोस्ट। तो उधर आज जा रहे हैं, आयत की थोड़ी चीज़ें चाहिए, उधर एरिया बहुत अच्छा है, स्टोर्स हैं, सारे कम प्राइस की चीज़ें मिलती है, स्पेनिश एरिया ना इसलिए, तो उधर जा रहा हूँ। तो हम एक दो चीज़ और भी लेना, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या लेना है, लेकिन आपके भाई का पुराना मोहल्ला है वो, चलो चलते दिखाते हैं। मैं अपने बकरे के लिए ना कल चने लेके आई थी, फाहद की आदत चने खाने की, छुट्टी वाले दिन भी और इधर तो पेड़ उगने लगे, गर्मी थी ना, अब मैं खाना भूल गया था, गर्मी रहेगा सारा रात, देखो उग गया, अभी पेड़ उगा ना, आपकी ऐसा जगह लगाऊंगा उधर से उग के निकलेगी। और ये चेरीज भी, ये सब मतलब बेचारियों का क्या हाल हो गया, गर्मी में सब कुछ रात कैसे छोड़ के फादगढ़ पे भाग गया। बकरा किसको बोला? आपको आपको बकरा नहीं पता, तेरा हस्बैंड शाहरुख खान है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये हम पहुंच गए, ये जो सामने वाले गली, इस गली से राइट लेफ्ट करके फिर पहले राइट में मैं रहता होता था, ये जंक्शन बुलवार्ड है। मुझे लोग अभी भी लोग पहचानते हैं। हां हां कैसे हो? झूठ अपने से कह रहा है, अरे स्पेनिश है, लेकिन इतना ये सबसे गंदा इलाके में लेके आया फाला जंक्शन बुलेवार्ड में, ये ना कही गंदगी खा के तू 6 साल से खा रही है गंदगी। ये गंदे इलाके से पता नहीं अचानक से हम ट्रेन पे आए तो किधर से मिल गया था ये मुझे। ट्रेन पे भीख मांग, ये ट्रेन में भीख मांगती होती थी। अल्लाह की नाम पे दे रे बाप, मुझे तारा सागी, मैंने कहा शादी करनी है। ये गली थी ये गली। तो ये वाली गली, इस गली में मैं रहता था और नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा जो जिस डंकिन में काम करता था कॉफी वाला, वो दिखा था आप लोगों को रुको जरा। ये देखो ये था वो एरिया, और ये सब पीछे डंकिन डोनट्स नजर आ रहे हैं, इस डंकिन डोनट्स में मैं काम करता था, हमेशा डबल पार्किंग होते, कुत्ते लोग बैल चल रही है, जो पीछे डंकिन डोनट का स्टोर आ गया 2 4 6 8 जल्दी चलो अंदर जल्दी, आप हमेशा क्लियरेंस वाले इसका चीज़ ढूंढते ना मेरे लिए, चवल आदमी औरतों का ड्रेस है, अभी मैं तो बिकनी पहन के घूमूंगा, शर्टें भी आती है मर्दों की, दो दो रुपए डाले 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 डाले, ये अपने हस्बैंड का वो क्या कहते हैं ना सीक्रेट, वो कर दिया मैं नीचे क्या पहनता हूं अंदर, देखो कितनी खराब है, ये शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में बाप भाई नहीं है यार। ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद जाके पार्किंग मिला है, वो अभी 4 ब्लॉक दूर, मैं ऐसे पूछो 1 घंटे के बाद, और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अभी मैं बाहर निकल के घूमूंगी कुछ लोग। पार्किंग नहीं मिला, मुझे पता है ना पार्किंग के लिए बहुत ही घटिया एरिया है, डबल पार्किंग करके रखा है, एक 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 पार्किंग के अंदर तीन गाड़ी खड़ा करके रखा है, फायर हाइड्रेंट भी ब्लॉक्ड है इधर, ऐसा घटिया एरिया है कि अभी मैं वो प्राइम मार्ट चली जाऊंगी। तो ऐसे फाइनली मिल गया, 4 ब्लॉक दूर है, लेकिन वॉक करके जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो चलते हैं, और आप लोगों को थोड़ा उधर वो जो मेन जो जंक्शन बुलवार्ड का जो मेन रोड है शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, वो आप लोगों को वॉक करके दिखाते हैं। और ये है मेन कम्युनिटी, हर जितने भी स्पेनिश कम्युनिटी आई मीन जितने भी ग्रोसरी के बाहर देखोगे, ये बियर की दुकान है, देखो आइस, ये फाद की जगह, ये तू सामने देख काला गार्बेज, ये आपकी जगह, पूरे स्पेनिश एरिया, ये लोग बियर टाकोज, ये देखो टाकोज, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा वो शायद इधर ही रहते हैं स्पेनिश लोग, हर कॉर्नर पे देखो छोटे छोटे ऐसे ट्रक होते हैं।
देखो टैकोस मोरालेस ऐसे हर कॉर्नर पे ऐसे छोटे छोटे ट्रक है। वैसे ये डायरेक्ट स्पेनिश नहीं कह सकते इस एरिया को, इधर मैक्सिकन कोलंबियन सबसे ज़्यादा है, कहते हैं स्पेनिश ही नहीं, स्पीक लैंग्वेज स्पेनिश है लेकिन स्पेन की नहीं है, कोलंबियन और मैक्सिकन सारे छोटे छोटे बुने बुने आप लोग देखना, और यंग यंग लड़के सारे बुड्ढी बुड्ढी औरतों के साथ घूमते हैं जैसे मैं घूमता हूँ यंग और मेरी बुड्ढी है। देखो आप लोगों जो कहा था पार्किंग की हालत, ये देखो एक गाड़ी के साथ दूसरे गाड़ी और रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं और एक गाड़ी के ऊपर दूसरे गाड़ी उठे रहते हैं। और ये स्पेनिश एरिया में मतलब इस जंक्शन बुलेवार्ड में हर कॉर्नर कॉर्नर पे देखोगे फर्नीचर के स्टोर, और फर्नीचर के स्टोर के ऑनर है सब अरेबियन, काम करते सारे मैक्सिकन और कोलंबियन। देखो सब ये वर्कर जो है कोलंबियन सारे इलीगल है, सारे इधर सारे इलीगल 99%। और देखो इधर भी फर्नीचर हर कॉर्नर कॉर्नर पे फर्नीचर, मेरे शादी का जो फर्नीचर गया था मेरे घर में वो भी इधर से लिया हुआ था जंक्शन बुलेवार्ड से। ऑनर होते हैं अरेबियन इजिप्शियन और काम करते सारे मैक्सिकन, बहुत ही कम प्राइस में इनको मिलते हैं। अरे देखो छोटे छोटे ये देखो काट करके आइसक्रीम बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। ये देखो फिर सामने आ गया टाको, ये पूरा मतलब स्पेनिश स्पीकिंग एरिया है। मैंने कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी तो गया, अरेबियन कम्युनिटी भी हम घूमे हैं, बांग्लादेश कम्युनिटी तो हर दिन जाते रहते हैं जंक्शन बुलेवार्ड। तो मैंने कहा इधर आप लोगों को एक दिन घूम के देखा देगा, छोटे छोटे अपने कंट्री में जैसे रोड में लेके बैठते हैं ना टोपी ये सब इधर भी ऐसे लेके बैठे होते हैं। 99 सेंट स्टोर बाहर सारे पूरा अपने कंट्री की तरह पूरा सेम टू सेम। ये देखो बाहर बारबेक्यू चल रहा है, बारबेक्यू का किधर से सेल कर रहे हैं, जूस सब कुछ रोड में ही होते हैं इनके, रोड हमेशा बिजी होते हैं हमेशा, और आज स्पेशली है भी संडे तो संडे के दिन तो थोड़ा एक्स्ट्रा बिजी होते हैं, छुट्टी का दिन है सब आते इधर इंजॉय करने। अभी हम अभी बेडशीट वाले स्टोर में आए हैं, देखो पर्दे बेडशीट लगे हुए हैं बहुत ही कम प्राइस में, निकल लिखे 100% इजिप्शियन कॉटन ना, ऑनर इजिप्शियन होते हैं। अच्छा ये पिलो तो वैसे ही खराब हो जाता है। ये दो पिलो ले लिया, नेक्स्ट 10 साल पिलो के बारे में ना कहना, ओके 10 साल नहीं 6 साल अभी ये यूज करेंगे फिर 6 साल हाँ, वैसे शादी के 6 साल बाद हमने फिर पिलो लिया। देखो जरा पिलो हम एक ही पिलो यूज करते हैं, हर चीज का कम प्राइस है, देखो $15 का सैंडल। ये देखो आप लोगों को पीछे नजर आती होगी ये मुस्लिम जो लड़की है ये सबसे भीख मांग रही है, ये लोग मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों का नाम खराब करते हैं, स्कैम है एक। इधर मैं रहा हूँ कितना 7-8 साल रहा हूँ जो मुझे पता है, ये लोग ये देखो पैसे मांग रहे हैं, ये देखो स्कैम करते हैं लोगों के साथ, स्कैप पहन के करते है। सायरा से मांगने आई थी, मैंने कहा ना देना पैसा, मैंने कहा पैसा ना देना, मस्जिदों के बाहर भी जाके ऐसे खड़े होते हैं। ये देखो हर स्टोर के बाहर ऐसे छोटे छोटे वो लेके बैठे हुए वेंडर्स, टिम्बरलैंड जो मांगोगे इजी, नाइकी हर टाइप का शूज इनके पास होते हैं लेकिन नकली। ये देखो गोल्ड के स्टोर सब नकली है। ये देखो हैट, हार्ड हैट, हीरा हैट 10-10 रुपए की, ये सब छोटे छोटे गोल्ड के स्टोर है। ये देखो फिर फर्नीचर किंग्स फर्नीचर, ओ ये तो प्यारे प्यारे चीज़ें हैं, ये झूमर बहुत प्यारा है। हाँ अब लोगों को दिखाऊंगा मैं जब नैकिन में काम करता इधर से जॉर्डन खरीद खरीद के $44 का पहनता होता था फेक। ये देखो और आपका बाइक है ये फेब्रेशर था, ये देखो BIM 15-20 डॉलर में शर्ट पैंट सेट मिलते होते थे कम प्राइस में, इधर से लेता था। ये है ओरिजिनल शूज़ का स्टोर, ओरिजिनल शूज़ मिलते हैं लेकिन बाहर रोड में जो भी बैठे हुए इजी लेके सब फेक है नकली। ये देखो बच्चों की टोपी ज्वेलरी जिनको ओरिजिनल गोल्ड चाहिए कम प्राइस में, इधर आना चूना लगा देंगे आप लोगों को। देखो फ्रेश जूस सब रोड में खुला, सब खुला बैठे हुए ये, ऑलमोस्ट 1 बज गया कभी बारिश हो सकता है। देखो कितने लोग हैं, सिटी जेम्स
ये देखो एप्पल वॉच, देखा एयरपोर्ट ओरिजिनल एप्पल वॉच है। और ये फैबको शूज़ सबसे कम प्राइस में शूज़, वो वाला जो स्टोर में गया तो उधर अच्छे शूज़ था नहीं, इधर आए अभी, इधर थोड़ा कम प्राइस में होते हैं। अभी एक कपड़ों के स्टोर में आके घुसे, ये देखो ओरिजिनल वर्साची, फिर एम्पोरियो अरमानी गुच्ची सब कुछ है इनके पास, बस $15 के बस, ओरिजिनल समझ के आना जाना, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है इधर, सब फेक है। और देखो पीछे वो वाला गुच्ची है, डिजाइनर सारे सारे वो है, टी शर्ट्स पैंट्स स्पेनिश लोग ऐसे ही पहनते हैं सारे, देखो सब डिजाइनर, कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन है, रंगीन कुछ ज़्यादा ही है। बहुत देर हो गया घूमी जा रहे हैं और अभी बारिश भी शुरू हो गया, और ये लोग बाहर वाले जो है ये लोग अपनी चीज़ें ढक रहे हैं अभी, क्योंकि सब गीला ना हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल है ना ये, सामने वाले ये जो ढका हुआ है देखो इस साइड में, ये ईजी है कहाँ नहीं, वो इसने इसकी अपना ईजी छोड़ के इसके ईजी आके पहनता है, ये इसके नीचे ईजी पड़े हुए हैं। और सामने सामने सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, सामने वाला आप लोगों को दिखाता हूँ सब काने हुए अपनी ईजी की, जब भी निकलता है कोई डिज़ाइन इस बंदे से लेता है, ये देखो ईजी जॉर्डन जो देखोगे सब है इसके पास, ये देखो तो अभी कैंडी फ्रेश से कुछ लेते हैं खाने के लिए, ये हलाल है बस इस जगह पे, यही खाना आ रहे हैं हम, लगेज खरीद लिया, आज ही लैंड होगा, दुबई जा रहे हैं हम दोनों, ये देखो दो लगेज लिया, लगेज लगेज था नहीं, शायद घर मूव करें, घर की चीज़ें रखेंगे तो इसमें, तो मैंने लगेज भी दो पे इधर से खरीद लिया, $65 के पार लगेज, बहुत ही कम प्राइस में और हेवी लगेज मिला है, मैंने कहा इधर से लगेज भी ले लेते हैं। अभी हम निकल चुके इधर से, धूप नहीं था लेकिन गर्मी इतना है ना आप लोगों को पता बता नहीं सकते, हफ्स बहुत ही ज़्यादा कुत्ते वाला गर्मी है। तो अभी जा रहे हैं विजेस, उधर से जाके अभी घर के लिए दूध शुद्ध लेना है आयात के, फिर जाएंगे घर। आ गए हम अभी बिजनेस के अंदर, ये आपका खाना ले लो, खाना ले लो, ये आप इस सेक्शन में घुसे हो, मैं नहीं, मेरा नहीं आपका खाना नहीं, है ये आपका खाना, वो सामने सबको नजर आ ही रहा है किसका खाना, बिल्ली और पिल्ले का खाना है ये देखो ले लो कौन सा लेना है, गोश्त यू वांट गोश्त, अभी घूमते घूमते मैंने प्राइम देखा, आप लोगों में से कितने लोग ये ट्राई किए, ये जो लोगन पॉल और उसका KSI सेल लगे हुए, पहले तो एक एक बोतल $4 का था, अभी 15 बोतल है $21.99 प्लस $3 ऑफ है, तो $18 में 15 बोतल्स, अभी कम प्राइस हो गया हैं, इधर फिर भी महंगा नहीं, जेट्रो में भी $15 का था $3 ऑफ था, अच्छा इधर भी $3 ऑफ है, मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं, दूध मिला नहीं, स्ट्रॉबेरी बनाना, यू वांट स्ट्रॉबेरी बनाना, यू लाइक केला राइट। वैसे आज तो बीजेस में इतने ज़्यादा लोग आए, लाइन देखो पे करने का, अच्छा हुआ मैंने फ़ोन से पे कर दिया, नहीं तो अभी हाफ एन आवर से 45 मिनट का ही नहीं गया था, एक तो लोगों के पसीने की स्मेल मुझे पा रही है, मेरा सुनेगी, कम ऑन कम हियर, निकल गए हम अभी बीजे से, बहुत ही मतलब इतना खतरनाक गर्मी है ना लोगों को पता नहीं सकता, जैसे मैं हो जाओ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, घर जाते हैं, हमने खाना खा के सो जाना, फिर हमारा नैप टाइम है अभी, वैसे उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, जो मैंने लगेज लिया ना उनमें फाल को पैक करके, वैसे जो इस पे मेक्सिकन एरिया में गए थे ना हम, तो जैसे अरबियन पाकिस्तानी एरिया में गए तो वो तो खाना हम खा सकते हैं, मेक्सिकन खाना हम खा नहीं सकते, आप लोगों को दिखा भी नहीं पाया, हराम है वो, और मेक्सिकन टाको है हलाल का ही कई जगह, लेकिन वो लोग मेक्सिकन लोग बनाते नहीं, वो तो देसी लोग बनाते हैं, अभी घर जाके खाना पीना पड़ेगा, हम मेक्सिकन कम्युनिटी का खाना आप लोगों को दिखा नहीं पाए, लेकिन कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा उधर घूम के दिखाए। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गर्मी बहुत है, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग तो एंड कर लिया लेकिन ये दिखाना जरूरी था, देसियों वाले काम पास नहीं, आपने क्यों लागे जाए खाली लागे, इसमें मैं दूध पी चुका हूं, जो हमने घर के लिए दूध वगैरह लिया फाव बोलता है इसमें सब रख के फिर लेके जाऊंगा, ट्रैवल करने से पहले लगेज देखो काम तमाम कर रहे हो, आफ्टर व्लॉग बना लिया देखो जरा।